हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, क्या आ रहा है लव में आप लोगों के लिए नेक्स्ट। बिकॉज ऑब्वियसली न्यू ईयर आ रहा है, न्यू मंथ आ रहा है, तो देखते हैं लव में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड विश यू अर लव, लक, हैप्पीनेस, अबंडेंस इन द न्यू मंथ, इन द न्यू ईयर। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग, स्टे फोकस्ड, वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि रीडिंग जो है उसकी एनर्जीज आप एक्सचेंज कर सकें। सो लेट्स ही देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, क्या कुछ आ रहा है व्यूवर्स के लिए लव में नेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टेन ऑफ रोजेस। इट इज लियो सेजिटेरियस, इज अ शोल्डर टू कैरी ऑन, एंड वी हैव पेज ऑफ रोजेस, द फ्री स्पिरिट, अगेन इट इज लियो सेजिटेरियस, एंड वी हैव द प्रोड्यूसर प्लैनेट। ओके, इट्स अ एक्स्ट्रा कार्ड इन दिस डेक, इट्स अ बॉम्ब, डेफिनेटली कोई ना कोई बॉम्ब तो होने वाला है गाइस। बट ये जो भी है ना, यहाँ पे इस टाइम मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हो, मतलब आप लोग इस टाइम ऐसे एग्जॉस्ट हो चुके हो कि आपकी लाइफ में लव कब स्टार्ट होगा। बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो आप काफ़ी टाइम से लव स्टार्ट करने का वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में लव एंटर होने का वेट कर रहे हो, कोई लव पार्टनर के एंटर होने का वेट कर रहे हो। बिकॉज हो सकता है किसी के साथ काफ़ी टाइम से आप लोगों का कोई कनेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। इस टाइम बहुत सारे लोग मुझे ऐसे हैं जो सिंगल्स मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, और वो किसी की तरफ से डेफिनेटली चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में लव एंटर हो। आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में आ चुके हो, शोल्डर टू कैरी ऑन, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के शोल्डर्स पे एक एक कोई ना कोई आप लोगों ने बैगेज जो है वो कैरी किया हुआ है। आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मेन दिख रही है वो मुझे आपकी लाइफ में लव एंटर होना दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, मतलब यू गाइस आर टोटली एग्जॉस्ट कि हमारी भी लाइफ में लव आ जाए, कब हमारी लाइफ में फूल खिलेंगे, कब हमारी लाइफ में कोई प्रपोजल आएगा लेकर। नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, द फ्री स्पिरिट है, यस मुझे लग रहा है समवन इज़ कमिंग, एंड आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई या तो बहुत ज़्यादा दिखने में यंग है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं, बट किसी ना किसी की तरफ से आपको डेफिनेटली सा फ्री स्पिरिट, कोई ना कोई फ्री हैंड होकर आपकी तरफ आ रहा है। एंड यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई मैसेज ऐसा रिसीव हो रहा है कि जो पर्सन आपको बताएगा, जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ पैशनेट हो रहा है। एंड आई थिंक ये पर्सन इस टाइम आप लोगों का सीक्रेटली कहीं ना कहीं ऐसा एडमायर है, जो सीक्रेटली आपको पसंद करता है। बट आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पे लव में आपका कोई ना कोई ऐसा पर्सन एंटर हो रहा है जो आपके साथ एक फ्लर्ट सीन बनाएगा, और आपका फ्लर्ट स्लो बाय स्लो इस पर्सन के साथ स्टार्ट होगा। कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू भी इस पर्सन को मिल सकते हो, यस, एंड इट्स अ प्रोड्यूसर प्लैनेट एनर्जी। हो सकता है ये पर्सन किस तरह से कोई प्रोड्यूसर हो सकते हैं, यस, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे अचानक से ये पर्सन है आपकी लाइफ में एंटर होना है, और आपकी लाइफ में जो है ना वो लव स्टार्ट होना है। बट ये चीज़ जो है वो किसी बहुत ही माइनर सी चीज़ों से स्टार्ट होगी, मतलब एक स्टार्ट जो है वो ऐसा होगा, बहुत सीरियस वे में स्टार्ट नहीं होगा, पहले फ्लर्ट से स्टार्ट होगा ये। वी हैव नाइट ऑफ रिंग्स, द लेट ब्लूमर, इट्स अ स्वैन एंड ये उसका किड है। तो यस, यहाँ पे चीज़ें आ जरूर रही हैं, बट इट्स अ लेट ब्लूमर, प्रोसेसिंग जो है वो स्लो जरूर होगी, बिकॉज यहाँ पे रिंग्स की एनर्जी है। रिंग्स बात कर रहा है हमारे पास पेंटिकल्स की, सा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि सबसे स्लो मूविंग कार्ड है एक्शन में, टैरो में। तो यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा, लेकिन गाइज आपकी लाइफ में लव एंटर होगा, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको पेशेंस यहाँ पे रखने की जरूरत है, बट जितना स्लो ये आ रहा है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। एंड वी हैव नंबर 0, इट्स अ फूल एनर्जी। इस पर्सन का स्टार साइन एक्वेरियस हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न द कॉन्टेस्टेंट, यस। ये पर्सन जो भी है, हो सकता है आप किसी तरह से कोई कॉन्सर्ट होते हैं ना, या तो किसी कॉन्सर्ट में आप मिल सकते हो, ये पर्सन खुद किसी तरह से कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, यस, या फिर कोई ऐसा है जैसे कोई टीवी या टीवी प्रोग्राम का कोई प्रोड्यूसर हो गया, या कोई टीवी का प्रोड्यूसर हो गया,
वो मुझे एनर्जी इस पर्सन की तरफ से दिख रही है, बट इस टाइम आप लोगों का कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस है एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा। ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के दरमियान, बट प्रोसेसिंग स्लो जरूर है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। गेट्स एंड इट्स अ फ्रेश न्यू बिगनिंग, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। वी हैव द हर्मिट्स या एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन आ रहा है ये सिंगल है खुद भी अपनी लाइफ में, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन को भी अपने किसी ना किसी लाइफ में लव पार्टनर की तलाश है, बिकॉज इट्स अ सोलो एनर्जी। यस या आपकी सिचुएशन मुझे इस टाइम काफी ज्यादा हैंग दिख रही है, लाइक यू गाइस आर टोटली इन अ स्टैगनेंट पोजिशन, पोज हुए हुए हो आपकी लाइफ आगे मूव नहीं कर रही, स्पेशली लव को लेकर आपको अपनी थिंकिंग को गाइस चेंज करने की जरूरत है। बट ये जो भी पर्सन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली लव लेकर आ रहा है, काफी सपोर्टिव है ये पर्सन, काफी ज्यादा लविंग है, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। बट विद द हर्मिट ये पर्सन भी आप जैसा पार्टनर ही ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में। तो ये जो भी पर्सन है काफी इंट्रोवर्ट है, ज्यादा कोई मुझे इनकी बहुत फ्रेंकली एनर्जी नहीं दिख रही, एनर्जी इस पर्सन की हर्मिट वाली दिख रही है। दिस पर्सन इज अ स्पिरिचुअल, आपका कनेक्शन बहुत ही प्योर और बहुत ही स्पिरिचुअल है इस पर्सन के साथ। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरगो स्टार साइन है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस एनर्जी भी मैंने आपको बताई है, बट ये एक रिस्क बेस्ड मुझे सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है आप लोगों का ये जो कनेक्शन स्टार्ट होना है वो बाई चांस स्टार्ट होना है, कोई इंटेंशनली स्टार्ट नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग जो है आपकी एक अट्रैक्शन से है, एंड देन आपका कोई ना कोई फ्लर्ट सीन स्टार्ट होगा इनसे, फिर जाके कोई कमिटमेंट की बात होगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस बट ये जो भी पर्सन है काफी ज्यादा इमोशनल रहेंगे आप लोगों को लेकर, बट ये खुद भी ढूंढ ही रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये भी सिंगल है। वी हैव डेथ, यस चेंजिंग आ रही है आपके इस कनेक्शन में, एंड हो सकता है ये पर्सन खुद इस टाइम किसी ना किसी तरह के एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं। हो सकता है इनका अपना कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहां से ये पर्सन निकल के किसी कनेक्शन से आ रहा है। यस बट ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है गाइज न्यू ईयर लाइक ऑब्वियसली जनवरी में आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी, एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ डेथ एनर्जी। तो लाइफ आपकी काफ़ी चेंज होगी, काफ़ी ट्रांसफॉर्म होगी इनसे मिलने के बाद, और इनकी भी ट्रांसफॉर्म होगी, बट इट्स अ डेथ एनर्जी है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड इट्स अ वेरी स्पेसिफिक यू नो स्टार साइंस। नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं यहाँ पे। यस बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की एज 30 प्लस है और अभी भी आप सिंगल हो, एंड यू गाइज आर वेटिंग कि कब आपकी लाइफ में कोई लव स्टार्ट होगा। द स्टार्ट की एनर्जी है, आपको होपफुल रहने की जरूरत है। यस ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है गाइज यहाँ तो बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर ये पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या किसी तरह से पॉपुलर तो गाइज ये पर्सन है, एंड स्पिरिचुअली भी ये पर्सन बहुत ज्यादा है, और आपको एक कनेक्शन पता चलेगा कि ये पर्सन स्पिरिचुअल है, और एक अट्रैक्शन सी इस पर्सन की तरफ आपको महसूस होगी। द स्टार है, आपकी विश पूरी होगी, आप जो भी इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका पूरा जरूर होना है। अगर इस टाइम आपकी सिचुएशन रुकी हुई है या बहुत बुरी तरह से आप लोग अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हुए हो, तो आपका वो टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से आपकी लाइफ को टर्न करेगा। यस नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, एंड यस इट्स एक्वेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये पर्सन का स्टार साइन एक्वेरियस भी हो सकता है। यस एंड ये एक हीलिंग कनेक्शन है गाइस, डेफिनेटली आप होपफुल रहिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, ये कनेक्शन आपको बहुत बैलेंस करेगा। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, वो आपकी चीज़ पूरी होनी है। चाहे अभी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही होगी, यू फीलिंग लाइक अ डेड पर्सन, आपको समटाइम लगता होगा सबकी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, आपकी यहाँ पे डेड पड़ी हुई है, कोई लव ही नहीं एंटर हो रहा, लेकिन होगा लव एंटर, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टाइम लगेगा, लाइक इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्रोसेस, एक्शन बहुत स्लो है इस पर्सन की तरफ से, स्लो है। अगर आपका टाइम स्लो जा रहा है ना इधर, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में लव लेकर एंटर हो रहा है ना, ये इसकी तरफ से लव स्लो है, बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन है ही बहुत स्लो, चाहे मेल है या फीमेल है, ये पर्सन खुद स्लो है बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी विश पूरी होगी, बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, ये पर्सन खुद स्टार भी हो सकता है किसी तरह से, बिकॉज मैंने आपको बताया ना इट्स कोई किस तरह का कोई कॉन्सर्ट लग रहा है मुझे, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन प्रोड्यूसर दिख रहा है, तो फेमस है इस पर्सन की एनर्जी। वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स, यस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है डेफिनेटली,
आपकी लाइफ में रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है, आपकी विश पूरी होनी है और ये पर्सन आपका एक ड्रीम कम ट्रू होगा, आपकी विश कम ट्रू होगा, जो भी इस टाइम आप मैनिफेस्ट करें वो आपको मिलना है। आपकी लाइफ में एक ऐसा रोमांटिक पर्सन आ रहा है, उसकी बेशक गाइज यहाँ पे लाइक चीज़ें ज़रूर स्लो हैं लेकिन आ ज़रूर आए विद द कमिटमेंट, कमिटमेंट मिलेगी। स्टार्टिंग जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड आपकी है, धीरे धीरे फ्लर्ट स्टार्ट होगा, पहले अट्रैक्शन है, एक दूसरे को देखा, अट्रैक्शन हुई, उसके बाद हो सकता है सोशल मीडिया पे आपकी कहीं बातचीत स्टार्ट होगी इस पर्सन से, कुछ लोगों की हो सकता है हुई भी हो, देन कहीं ना कहीं आपकी एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, एक दूसरे के साथ यू नो टाइम स्पेंड करोगे, कोई यू नो लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कोई ये पर्सन आपको लव के कोई मैसेज जैसे फॉरवर्ड करेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट लव प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, रोमांटिक प्रपोजल, रिलेशनशिप की कमिटमेंट का आएगा, चेंजिंग है यहाँ पे, मुझे दिख रही है चेंजिंग का। वी हैव एम्परर, इट्स अ नंबर फोर एनर्जी एंड एरिस एनर्जी है यहाँ पे, इसका ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, मुझे कुछ लोगों की तरफ से एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये पर्सन आप पे नज़र रखेगा पहले। यस, आपको कमिटमेंट मिल रही है और एक लॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट मिल रही है, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म इस पर्सन की तरफ से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेगा। यस, लेट्स सी मोर, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। वी हैव ओरेकल कार्ड्स, आई थिंक आप लोग काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स वगैरह भी ले रहे हो इस पर्सन के बारे में, या फिर आप अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में कोई लव एंटर होना भी है या नहीं होना, हो सकता है आप कोई गाइडेंस ले रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो किसी तरह से जानने के लिए। कुछ लोग खुद बाय प्रोफेशन यू नो टैरो रीडर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकता है ये पर्सन, अगर मुझे लगता है अगर आप खुद होम बेस्ड कहीं टैरो रीडिंग्स कर रहे हो अपने लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपको पता चल सके, आप भी हो सकते हो ये टैरो रीडर्स, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि कौन है आपकी लाइफ में, कोई लव एंटर होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, कैसा होगा ये पर्सन, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, आप यहाँ तो गाइडेंस ले रहे हो या फिर खुद आप अगर आप होम बेस्ड ही अगर टैरो रीडर्स हो तो आप खुद चेक कर रहे हो कि किस तरह से आपको पता चल सके, या फिर आप गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हो जैसे आप अभी देख रहे हो। We have children. Your life purpose involve helping, teaching and healing children. Yes. ये person खुद जो है बहुत ज़्यादा healer हो सकता है, या teacher हो सकता है, या फिर हो सकता है ये person student teacher हो सकता है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है ये person बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा closed है और बहुत ज़्यादा help करता है बच्चों की, ऐसी energy भी दिख रही है। कुछ social worker दिख रहे हैं मुझे, कुछ NGOs से दिख रहे हैं, कुछ UNICEF से दिख रहे हैं मुझे ये person का profession, ये जो आपके लाइफ में लव एंटर हो रहा है। वी हैव करियर चेंज, हो सकता है ये पर्सन आपको करियर चेंज करते हुए मिले, हो सकता है आप किसी तरह से अपना करियर चेंज कर रहे हो, कोई जॉब स्विच कर रहे हो तो ये पर्सन आपको वहां पे मिल सकता है। यस, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई करियर के रिगार्डिंग ही आपको मिलेगा, इसकी मीटिंग आपसे ऐसे ही होगी क्योंकि ये दूसरे किसी ट्रैवल करके आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। ये पर्सन एक फ्री स्पिरिट है, इसको कंट्रोल रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, काफी इमोशनल है ये पर्सन, इट्स अ डॉल्फिन एनर्जी, पीछे काफी ज्यादा यू नो एक डॉल्फिन है, हो सकता है ये पर्सन एनिमल लवर है, एनिमल यू नो वेट भी हो सकता है ये पर्सन। वी हैव लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, यस ये पर्सन लीडरशिप क्वालिटीज है इस पर्सन में, ये मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफी ज्यादा स्टेबल है गाइस अपनी लाइफ में, और हो सकता है ऑलरेडी आप लोग इस पर्सन से मिल भी चुके हो कुछ लोग, आई डोंट नो बट मुझे ये एनर्जी दिख रही है। वी हैव लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। यस, मुझे लगता है पहले आप लोग इस पर्सन से मिलोगे, उसके बाद आपका इस पर्सन से टोटली जो ना बीच में कोई गैप आ जाएगा, लेकिन ये आप लेट गो कर दोगे इस पर्सन को, मतलब सीरियस एक कनेक्शन में नहीं जाओगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं करियर चेंज करते हुए आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी, मुझे लग रहा है एक बार ही आपके इस पर्सन के साथ कहीं मीटिंग होनी है, उसके बाद आपने एक दूसरे को लेट गो करना है, देन फिर मीटिंग होनी है आपकी इस पर्सन से, ये जो आपकी लाइफ में आ गया। अगर तो अभी ये सिचुएशन चल रही है आप लोगों की लाइफ में, जैसा मैंने बताया इस पर्सन के बारे में, ऑलरेडी अगर आप मीटिंग कर चुके हो, अभी हो सकता है बातचीत नहीं हो रही, दोबारा मिलना है आपका इस पर्सन से, ये पर्सन टीचर हो सकता है या फिर एक लीडिंग करेक्टर हो सकता है इस पर्सन का, लाइक इन अ सेंस कि ये पर्सन किसी गवर्नमेंट फील्ड से हो सकता है, काफ़ी हाई स्टेटस हो सकता है इस पर्सन का, काफ़ी हाई पोजीशन हो सकती है, हाई अथॉरिटी हो सकती है। यस,
कुछ हो सकता है, स्कूल टीचर हो सकते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। लेकिन यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है, एक बार ही तो लेट गो होना है यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका मीटअप होना है इस पर्सन से दोबारा। लेकिन मिलोगे आप कुछ लोग करियर के थ्रू। या सो दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर गाइस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।